बागवान भाइयों, आप देख सकते हैं कि भाई इस तरह से हर टहनी में हमने डिस्टेंस रखा हुआ है। क्यों इस तरह से डिस्टेंस रखने से टहनी और हर बीमे में धूप आती है। सबसे ज़्यादा मैटर प्ले धूप का है, क्योंकि कोई बागवान कहते हैं कि भाई हमारे टॉप में ही क्वालिटी का फ्रूट आता है, क्योंकि टॉप में इसलिए क्वालिटी का फ्रूट आता है कि टॉप में पूरी सनलाइट पड़ती है, क्योंकि इसी साइड में शेडी साइड रहती है कि भाई उसमें धूप नहीं पहुंच पाती है। तभी मेरा अनुरोध 15-22 से है कि भाई टॉप की जो धूप है वो नीचे तक तरने तक जाए, उस तरह से टहनी का डिस्टेंस सही रखे, मतलब मेन टहनी के साथ 6 इंच से ज़्यादा बीमा ना रखे। हर टहनी का डिस्टेंस सीमित मात्रा में हो, क्योंकि टहने के ऊपर टहना ना हो, कि हर मेन टहनी के ऊपर टहना ना हो। यह देख सकते हैं आप, सेंट्रल लीडर स्टाइल में हमने पेड़ बनाए हुए। जो पेड़ देख रहे हैं आप, 45 से 50 साल का पेड़ है, और हर साल है 10 से 15 पेटी देता है, वो भी 30 किलो की। देख सकते हैं आप। और किसी बागवान की गलत भावना रहती कि भाई इस तरह से प्रूनिंग की तो पेड़ सूख जाते हैं। हम इस ऑर्चर्ड में पहले से इस तरह से की प्रूनिंग करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, हर टहने का सही डिस्टेंस, हर बीमे का। कभी भी गलत फहमी में ना जाए बागवान भाइयों, जो ये पेड़ है ये 50 साल का है, और ये क्वालिटी के फ्रूट और साइज देता है। देख सकते हैं आप, टेने पे टेना ना बनाएं, क्योंकि प्रूनर उतना ही करेगा जितना बागवान बताएगा, क्योंकि सबसे पहले बागवान को ही अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। कभी भी इस टेक्नोलॉजी से आपका पेड़ नहीं सूखेगा, मतलब इस टेक्नोलॉजी से 80 साल का पेड़ भी जवान दिखाई देता है, मतलब जितना आप प्रूनिंग का दुरुस्त करते हैं उतनी ज़्यादा ग्रोथ आती है। लोगों का गलत कहना है कि भाई इस प्रूनिंग से पेड़ ही सूख जाते हैं, क्योंकि हम पहले से ही इस तरह से दुरुस्त प्रूनिंग करते हैं। और जो इस ऑर्चर्ड में जो मतलब लार्ज मीडियम स्मॉल ही साइज भरते हैं और क्वालिटी का फ्रूट आता है, आप देख सकते हैं। और 6 इंच से ज़्यादा लंबा बीमा नहीं है हर टहने में, मतलब मेन टहने से टहना नहीं बनाना चाहिए, टहने पे टहना, टहने पे टहना, क्योंकि प्रॉपरली धूप तरने तक जानी चाहिए। कुछ एक बागवान का कहना रहता है कि भाई हमारे पास इतने 100 पेड़ है और क्रॉप जो बताते हैं बहुत ही कम, और 6 लेयर, यदि आपने क्वालिटी का फ्रूट लेना है तो इस तरह से दुरुस्त प्रूनिंग करनी पड़ेगी। यदि आपके पास 100 पेड़ भी हो इस तरह के, तो 100 पेड़ से 1000 पेटी निकलेगी यदि आप दुरुस्त प्रूनिंग करते हैं। हम नहीं कहते कि भाई आप अपने ऑर्चर्ड में आरी लगाए, सिर्फ कैंची के ही कट। क्योंकि यदि बीमे की कांट छांट भी सही तरीके से हो तो साइज खुद बन जाता है। यदि हम शूट पे शूट रखे तो शूट में